सुख क्या है, ये इसका सार आ गया। ये जो इतना प्रसंग चला ना, ये इस अगले मंत्र में ऋषि बता रहे हैं, यो वै भूमा तत् सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति, भूमा एव सुखम, भूमा तु एव विजिज्ञासितव्य इति, भूमानं भगवो विजिज्ञासे इति। ऋषि ने कहा कि सुख क्या है, यो वै भूमा तत् सुखम, जो भूमा है वही सुख है। व्यक्ति को जितना प्राप्त हो जाता है, जितनी प्राप्ति उतनी समाप्ति, प्राप्ति तो समाप्ति में तब्दील हो जाती है, तो उसको ज्यादा चाहिए। जिसके पास जितना धन है उससे ज्यादा धन चाहिए तब वो सुखी होगा, भले ही उसके पास करोड़ हैं। तो जिसके पास लाख हैं या हजार हैं उसको लगता है कि करोड़ होते ही मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन करोड़ वाला भी तो सुखी हुआ नहीं ना, क्योंकि उसको अब और कई करोड़ चाहिए। तो जिसको जिस चीज की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए उस प्राप्ति से मिलने वाले सुख की समाप्ति हो जाती है, उसको और चाहिए। तो भूमा क्या है, मतलब ज्यादा क्या है, भूमा मतलब अधिक, तो अधिक क्या है, कम क्या है और अधिक क्या है, कम की क्या परिभाषा है, कम मतलब कितना और अधिक क्या है, सीधी परिभाषा है, जो मिल गया वो कम है, कितना भी मिल गया किसी को, और अधिक क्या है, जो अभी नहीं मिला है वो अधिक है, जो प्राप्त नहीं हुआ वो अधिक है, जो मिल गया वो कम है, और जो अभी प्राप्त नहीं हुआ उसकी कोई सीमा नहीं है। फिर जिन महापुरुषों ने ईश्वर को भी पाया उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हमने सारा पा लिया, हमारी जितनी सामर्थ्य थी उतना हमने पा लिया, लेकिन वो तो अनंत है, उन्होंने भी अनंत बताया उसको। क्यों बताया, क्योंकि उसका स्वभाव ही भूमा है, अनंत है, जिसका कहीं अंत नहीं आता है वैसा ही है वो, उसका स्वरूप ही वैसा है जिसको कोई जान ही नहीं सकता है। तो इसलिए वहां पर उपनिषद में ही आया है ना कि जो ऐसे कहता है कि मैंने जान लिया, समझ लो कुछ नहीं जानता है वो, क्योंकि जिसको जाना नहीं जा सकता उसको आप कहें कि मैंने जान लिया है तो यही उस व्यक्ति का अज्ञान है। और जो व्यक्ति कहता है कि मैंने नहीं जाना तो वो भी सत्य नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो सब जगह जाना ही जा रहा है। यह जानाति स न जानाति, जो कहता है मैं जानता हूं वो नहीं जानता है, और जो कहता है नहीं जानता हूं वो कुछ जानता है, कुछ तो जानता ही है ना, तो ये भी सत्य नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, ऐसा भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं यो वही भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है, और अल्प वही होता है जो हमें प्राप्त हो गया, जो प्राप्त हो गया वो अल्प है और जो नहीं प्राप्त हुआ वो भूमा है। भूमा एव सुखम, भूमा में ही सुख है नारद, भूमा तु एव विजिज्ञासितव्य इति, इसलिए भूमा को जानो, उस असीम को जानो, उस अनंत को जानो, उस महान को जानो। भूमा का मतलब है यहाँ पर ब्रह्म, ईश्वर, अनंत, असीम, उसको जाने बिना सुख नहीं है। तो जाने अनजाने में सब उसी की खोज में लगे हुए हैं, जो आत्मा का जो लक्ष्य है ना। तो अब इसको ज्ञान नहीं है तो जितना भी इसको अज्ञान के कारण कभी धन को प्राप्त करके फिर आत्मा को देता है, आत्मा कहती है नहीं इससे तुम्हें तृप्त नहीं हुई, फिर इसको कुछ गाड़ी कुछ मकान वो सब ये मुश्किल से पुरुषार्थ करके इसको उपलब्ध करवाता है, फिर आत्मा कहती है नहीं इससे भी मैं तृप्त नहीं हुई। तो इसको फिर कुछ स्वाध्याय कुछ दर्शन कुछ उपनिषद पढ़ के इसको उपलब्ध करवाता है, फिर बोले नहीं इससे भी मैं तृप्त नहीं हुई। तो इसको क्या चाहिए, इसको भूमा चाहिए, ये जो हमारा आत्मा है इसको सुख कब मिलेगा,
ये ऋषि कह रहे हैं, क्योंकि हमारा तो अनुभव नहीं है, इसीलिए तो हम दूसरी दूसरी चीजों में लगे हुए हैं। पर ऋषि हमें बता रहे हैं पूरे जीवन भर का अपना अनुभव, कि जो भूमा है उसको जब आप पालेंगे तब ही सुखी हो पाएंगे, उससे पहले सुखी नहीं हो पाएंगे। तो भूमानम भगवो विजिज्ञासे इति। तो फिर भगवान आप ये बताइए भूमा क्या है, आप भूमा के बारे में ही बताइए, और भूमा बताया नहीं जा सकता है किसी को। तो कह रहे हैं ये मंत्र में, यत्र न अन्यत पश्यति न अन्यत शृणोति न अन्यत विजानाति स भूमा। अथ यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तद अल्पम यो वै भूमा तद अमृतम अथ यद अल्पम तद मर्त्यम। स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठितः इति स्वे महिमने यदि वा न महिमने इति। तो उसके बारे में बताया नहीं जा सकता है, तो भी उसकी कोशिश कर रहे हैं ऋषि, बता रहे हैं उसको, कह रहे हैं जहां यत्र न अन्यत पश्यति न अन्यत शृणोति, चित्त की ऐसी स्थिति जहां ये किसी अन्य को नहीं देखता है, अन्य को नहीं सुनता है, न अन्यत पश्यति न अन्यत शृणोति न अन्यत विजानाति, न किसी दूसरे को जानता है, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है। और ये कौन सी अवस्था है, समाधि की अवस्था है। ये तो समाधि में ही तो ऐसा होता है कि वहां व्यक्ति न दूसरे को जानता है, ना देखता है, ना सुनता है। तो ऐसी अवस्था इस आत्मा की, ऐसी स्थिति जहां ना दूसरे को देखता है, ना सुनता है, ना जानता है, स भूमा, उसी को भूमा कहते हैं। जब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है ना, तब उस ब्रह्म का भी प्रतिबिंब इसको दिखाई देता है। और फिर जहां जब एक बार अपने यहां देख लेता है, तो फिर सारी सृष्टि में वो ही है, ये भी इसको अनुभूति हो जाती है। अनुभूति होने के बाद फिर इसको रटने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर तो एक बार पता लग गया जिस चीज का, तो फिर याद थोड़ी करना पड़ता है। आपको ज्ञान हो गया कि अग्नि जलाती है, तो फिर आपको याद थोड़ी करना पड़ेगा कहीं अग्नि आएगी तब, कि नहीं वहां कक्षा में बताया था कि अग्नि तो जला देती है, तो इसलिए मुझे इसमें हाथ नहीं डालना है, कोई आवश्यकता नहीं है। आपने 10 वर्ष से भी आप अग्नि के पास नहीं गए, अग्नि के बारे में सोचा भी नहीं कभी, और आपको 10 वर्ष के बाद अचानक अग्नि सामने आ जाए, तुरंत बच जाओगे, क्योंकि वो आपका ज्ञान है, अनुभौतिक ज्ञान है, तो वो सदा सदा आपके साथ ही रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं होता है। और जो नष्ट हो जाता है वो अपना नहीं होता है, भूल जाते हैं ना हम, तो पिछले सेमेस्टर में जो जो याद किया था वो सब भूल गए, तो इसका मतलब वो ज्ञान कैसा था, बुद्धि का ज्ञान था, मन का ज्ञान था, अपना नहीं था, आत्मा का नहीं था। आत्मा को एक बार जो ज्ञान हो गया वो कभी नहीं भूलता है। तो न अन्यत पश्यति न अन्यत शृणोति न अन्यत विजानाति स भूमा, वो भूमा की स्थिति है। अथ यत्र अन्यत पश्यति, और जहां वो दूसरे को देखता है, अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तद अल्पम, जहां दूसरे को देखता है, दूसरे को सुनता है, दूसरे को जानता है, वो सब क्या है, वो अल्प है। अपनी आत्मा से अतिरिक्त शरीर को सुनता है, इंद्रियों को सुनता है, इंद्रियों को जानता है, धन को देखता है, धन के बारे में सुनता है, धन के बारे में जानता है, इंद्रियों के विषयों के बारे में देखता है, इनके बारे में सुनता है, इनके बारे में जानता है, तो वो सब क्या है, अपनी आत्मा स्वरूप से अतिरिक्त जिसके बारे में भी ये देखता है, सुनता है, जानता है, वो सब क्या है, अल्पम, वो सब अल्प में आ जाता है, चाहे वो कितना भी ज्यादा दिखाई दे मात्रा में, लेकिन वो सब आत्मा की दृष्टि से क्या है, अल्प। यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तद अल्पम यो वै भूमा तद अमृतम। जो भूमा है वो क्या होता है, अमृत, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वो एक बार उपलब्ध होने के बाद कभी हमारे हाथ से जाता नहीं है, नष्ट नहीं होता है कभी भी। जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता है ना,
तो सत्य आत्मा है, सत्य ईश्वर है, सत्य मूल प्रकृति है, तो उनका कभी नाश नहीं होता है। तो जो भूमा है वो क्या है? अमृत है, मरता नहीं है, अविनाशी है। यो वै भूमा तद अमृतम अथ यद अल्पम तन मर्त्यम। और जो अल्प होता है वो क्या होता है? विनाशशील, मरणशील, मर्त्यम, मरने योग्य। तो जो जो विनाशशील है वो सब क्या है? अल्प है। शरीर क्या है? विनाशशील। इंद्रियां विनाशशील, धन विनाशशील, सारा संसार विनाशशील, सारी धरती विनाशशील, पंचभूत विनाशशील। तो ये सब किस में आ जाएंगे? अल्प में आ जाएंगे। ये सब अल्प है। जो जो विनाशशील है वो सब अल्प है, और जो जो अमृत है वो भूमा है। यो वै भूमा तद अमृतम अथ यद अल्पम तन मर्त्यम। स भगव कस्मिन प्रतिष्ठित इति। तो वो जो भूमा है वो किस में प्रतिष्ठित है? क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है, ये मरणशील जो है, इंद्रियां, शरीर, विषय, सारे संसार के ये सारे पांच भूत, ये तीनों लोक, ये सब तो किस में प्रतिष्ठित है, ये दिखाई दे रहा है। ये भूमा किस में प्रतिष्ठित है? कहाँ रहता है ये भूमा? स भगव कस्मिन प्रतिष्ठित इति। तो कहा स्वे महिमनी, वो अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है। आत्मा किस में प्रतिष्ठित है? आत्मा आत्मा में ही प्रतिष्ठित है, अपनी ही महिमा प्रतिष्ठित है। स्वे महिमनी यदि वा न महिमनी इति। क्योंकि उसको अपनी महिमा के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो क्या है? भूमा है। तो जो कोई उसमें प्रतिष्ठित हो गया तो उसे अन्य की आवश्यकता ही नहीं है ना। जो खुद ही भूमा है, जो खुद ही महान है, तो उसको अन्य में प्रतिष्ठित होने की आवश्यकता ही नहीं है। गो अश्वम इह महिमा इति आचक्षते। हस्ती, हिरण्यम, दास, भार्यम, क्षेत्राणि, आयतनानि इति। न अहम एवं ब्रवीमि। ब्रवीमि इति ह उवाच अन्यो हि अस्मिन् प्रतिष्ठित इति। यानी संसार में महिमा किसको मानी जाती है? इसके पास इतनी गायें हैं इसलिए ये महिमाशाली है, इसके पास इतने घोड़े हैं, इसके पास इतना हाथी हैं, इसके पास इतना सोना है, इतने दास दासियां हैं, और भार्य इतनी पत्नियां हैं। उस समय ऐसी रही होगी बहुपत्नी प्रथा, इसलिए उसका भी कहा। इतने क्षेत्राणी, इतनी जमीन है, आयतनानी, इतना आधार है, आश्रय है इसके पास। इन सबको क्या कहा जाता है? महिमा कहा जाता है। जिसके पास जितना ज्यादा उतना उसकी महिमा। तो लोक में तो किसको महिमाशाली कहा जाता है? जिसके पास भौतिकता के जो साधन है उनकी अधिकता होती है। तो इनको आचक्षते महिमा इति आचक्षते, इनको महिमा कहा जाता है। गो अश्वम इह महिमा इति आचक्षते। यहाँ गो अश्व आदि बिजनेस व्यापार आदि, आज की भाषा में कहें तो फ्लैट्स आदि, जमीन आदि, जितना जिसके पास ज्यादा है उतने उसकी महिमा। गो अश्वम यह महिमा इति आचक्षते। गो अश्वादी को यहाँ महिमा कहा जाता है। हस्ति, हिरण्यम, धास, भार्यम, क्षेत्राणि, आयतनानी इति यह महिमा आचक्षते, इनको महिमा कहा जाता है। न अहम एवं ब्रवीमि, लेकिन मैं इनको महिमा नहीं कह रहा हूँ। जब मैं कह रहा हूँ ना कि वो अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है, तो महिमा का मतलब मेरा यहाँ इन चीजों की अधिकता, इसको मैं महिमा नहीं कह रहा हूँ। जिसमें लोक लोक जिसको महिमा कहता है उसको मैं महिमा नहीं कह रहा हूं। तो ब्रवीमि इति ह उवाच अन्य ही अन्यम प्रतिष्ठित इति। कह रहे हैं मैं तो कहता हूं कि ये मतलब ये जो अन्य में प्रतिष्ठित है ये महिमा हो ही कैसे सकती है।
कहता हूँ, ब्रवीमि इति उवाच, ऐसा कहकर सनत कुमार ने कहा, अन्य ही अन्यस्मिन् प्रतिष्ठितः, अन्य जो है वो हमेशा अन्य में ही प्रतिष्ठित होता है। अन्य मतलब यहाँ भूमा से अन्य, अर्थात अल्प। अल्प हमेशा जो है वो किसी अन्य में प्रतिष्ठित होता है। जो खुद छोटा है वो ही तो किसी में प्रतिष्ठित होगा ना, जो स्वयं ही महान वो किस में प्रतिष्ठित होगा। तो कह रहे हैं अन्य अन्यस्मिन् प्रतिष्ठितः, और जो किसी दूसरे में प्रतिष्ठित है वो कभी भी महिमाशाली नहीं हो सकता है। जो किसी अन्य के कारण, मान लो कोई व्यक्ति किसी पद के कारण प्रतिष्ठित माना जाता है, तो ये पद की प्रतिष्ठा है, उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं है। जिस दिन पद छिनेगा उस दिन लोग पूछेंगे भी नहीं। जो मान लो धन के कारण अपने आप को महिमाशाली मान रहा है, धन में स्थित होकर के अन्य में स्थित होकर के प्रतिष्ठित महसूस कर रहा है, तो ये तो धन की महिमा है, उस व्यक्ति की महिमा थोड़ी है। जिस दिन कभी दिवाला निकलेगा, निर्धन हो जाएगा, तो दूसरे लोग पास भी नहीं आएंगे। और ऐसा ही होता है लोक में, हम देखते हैं ऐसे ही। अगर कोई व्यक्ति अपने शारीरिक बल को प्रतिष्ठा मान करके, उसको महिमा मान करके, उसका अहंकार करता है कि मैं महिमाशाली हूं, तो जिस किसी दिन उसका बल कम हो जाएगा, जैसे वृद्धावस्था में तो सभी का ही कम हो जाता है, तो फिर उस दिन उस व्यक्ति को कोई महिमाशाली नहीं कहेगा। तो अन्य ही अन्य में प्रतिष्ठित होता है। अन्य का मतलब है यहाँ अल्प, जो दूसरे की महिमा से जो प्रतिष्ठित है, वो क्या महिमा, क्योंकि पता नहीं कब छिन जाए। आप कहते हैं मैं इतने ऊंचे कुल खानदान का हूं, ये मेरी महिमा है, लेकिन जिस दिन वो कुल खानदान लेस हो गया आपसे, उस दिन फिर आपकी क्या गति होगी? आप कहोगे हम इतने बड़े गुरु के शिष्य हैं, और जिस दिन गुरु बेदखल कर दे, हमें निकाल दे, फिर हमारी क्या दशा होगी? तो असली महिमा व्यक्ति की क्या है? भूमा, अपने आप में जो प्रतिष्ठित है, बिना किसी अन्य के, जो बिना किसी अन्य के महिमाशाली है, वो ही असली महिमा है। जो लोक में जिसको महिमा कहा जाता है, वो तो सब क्या है? अन्य अन्य में प्रतिष्ठित है, और जो किसी अन्य में प्रतिष्ठित है वो महिमा नहीं है, मैं उसको महिमा नहीं मानता हूं। तो इसकी महिमा नारद की किस में प्रतिष्ठित थी? शब्द विद्या में थी, शास्त्र में, शब्द जानता था और शब्द को जान के अपने आप को महिमाशाली मानता था। तो ये कह रहा है कि शब्द को के कारण आप अपने आप को महिमाशाली माने, तो शब्द जिस दिन नहीं आपको स्मरण रहेंगे, भाई वो जिस दिन मृत्यु होगी आपकी, तो आप कैसे हो जाएंगे? फिर अमहिमाशाली हो जाएंगे फिर आप तो। और कभी तो जीते जीते भी भूल सकते हैं, व्यक्ति की मेमोरी चली जाए तो। अन्य अन्यस्मिन् प्रतिष्ठित, लेकिन भूमा कैसा है? वो अपनी ही महिमा में है, वो किसी अन्य में प्रतिष्ठित नहीं है। वो कैसा है भूमा? स एव अधस्तात् स उपरिष्टात् स पश्चात् स पुरस्तात् स दक्षिणतः स उत्तरतः स एव इदं सर्वम् इति। अथ अत अहंकारादेश एव अहम् एव अधस्तात् अहम् उपरिष्टात् अहम् पश्चात् अहम् पुरस्तात् अहम् दक्षिणतः अहम् उत्तरतो अहम् एव इदं सर्वम् इति। ये महिमा है। महिमा क्या है? कि वो जो भूमा है वो ही नीचे है, वो ही ऊपर है, वो ही पीछे है, वो ही आगे है, वो ही दक्षिण में है, वो ही उत्तर में है। स एव इदम सर्वम, जहां कहीं भी आपकी दृष्टि जाएगी सब जगह वही वो है। तू ही तू, तू ही तू प्रभु, सब जगह हर घड़ी। तो स एव इदम सर्वम, और जिसको आप महिमा कह रहे हैं उसमें भी वो महिमा किसकी है? उसी की है, उसी की महिमा से हैं ये सारे लोक लोकांतर,
उसी की महिमा से हैं ये सारे अश्व गो आदि प्राणी, उसी की महिमा से हैं ये हीरे मोती सोना आदि, उसी की महिमा से हैं ये सारे अन्न धन आदि, सब उसी की महिमा है। स एव इदम सर्वम इति अथ अहंकार आदेश करें। अब इसके बाद अथ अतः, इसके आगे जब उसने ये जान लिया ना इस व्यक्ति ने, इस योगी ने, कि इस सब में कौन समाया हुआ है, वो ही समाया हुआ है, तो उसके आगे फिर अहंकार आदेश है, फिर वो अहम के रूप में आदेश है, फिर वो वर्णन करने लग जाता है वो व्यक्ति, अहम ब्रह्मास्मि वाली जो स्थिति है ना, क्योंकि सब जगह वो है तो मुझ में भी तो वो ही है, तो फिर मैं भी उसी में शामिल हो गया ना, वो सारी बाहर महिमा सारी उसकी है, यहां तक तो व्यक्ति को समझ में आ जाता है, लेकिन अपने आप को बचा लेता है व्यक्ति। तो जैसे बाहर सब कुछ ऊपर नीचे दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब वो है, तो फिर मैं भी तो उसी में ही तो हूं, वो सारा आ गया तो सारे में मैं भी तो आ गया ना, तो सारे में मैं भी आ गया, तो फिर ये साधक क्या बोलता है, अहम ब्रह्मास्मि, तो कह रहे हैं अहंकार आदेश हो जाता है। ये ज्ञान होने के बाद फिर वो व्यक्ति क्या बोलने लग जाता है, अहम एव अधस्तात, नीचे भी मैं हूं, अहम उपरिष्टात, ऊपर भी मैं हूं, फिर ये उसके साथ क्या हो जाता है, इसका तादात्म्य हो जाता है, अहम पश्चात, अहम पुरस्तात, अहम दक्षिणत, अहम उत्तर, तो अहम एव इदम सर्वम इति, सब जगह मैं ही हूँ। वो श्री महात्मा राम ऐसे बोलते थे, स्वामी राम तीर्थ वो ऐसे बोलते थे। अथ अतः आत्मा देशय, आत्मा एव अधस्तात, आत्मा उपरिष्टात, आत्मा पश्चात, आत्मा पुरस्तात, आत्मा दक्षिणतः, आत्मा उत्तरतः, अतः आत्मा एव इदं सर्वं इति, सेवा एष एवं पश्यन् एवं मन्वान् एवं विजानन् न आत्मरति आत्मक्रीडम आत्ममिथुन आत्मानंद स स्वराट भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। अथ ये अन्य अथ अतो विदु अन्य राजानः ते क्षय्यलोका भवन्ति तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। अथ अत आत्मादेश, तो ये जो स्थिति है तब इसके आगे आत्मा का आदेश है। आत्मा का आदेश मतलब ये आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का मतलब है यहाँ पर परमात्मा, जीवात्मा नहीं है। तो इसके बाद वो सब जगह किसको देखने लगता है, उस परमात्मा को ही, उस पर ब्रह्म को ही देखने लगता है, और कहता है आत्मादेश में क्या कहता है, आत्मा एव अधस्तात, आत्मा उपरिष्टात, नीचे ऊपर, आत्मा पश्चात, आत्मा पुरस्तात, पीछे आगे सब जगह आत्मा है, आत्मा दक्षिणतः, आत्मा उत्तरतः, दक्षिण उत्तर में आत्मा है, आत्मा एव इदम सर्वम इति, सब जगह वो परमात्मा ही है, आत्मा का मतलब यहाँ परमात्मा। सेवा एष एवं पश्यन्, तो वो इस ब्रह्म को, इस परमात्मा को इस तरह से देखता हुआ, एवं मनवाने ऐसे मानता हुआ, एवं विजानन ऐसे जानता हुआ, फिर क्या करता है, आत्मरति आत्मक्रीड़, फिर वो अपने आप में ही, आत्मरति अपने स्वरूप में ही प्रसन्नता वाला होता है, सुख वाला होता है, आत्मरति आत्मक्रीड़। अब इसको क्रीड़ा से सुख मिलता है ना, तो अब किसी और के साथ इसको क्रीड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही क्रीड़ा करता है, अपनी आत्मा में अपने साथ ही क्रीड़ती। आत्मिथुन, अब किसी और किसी जोड़े की आवश्यकता नहीं है, अपनी आत्मा में ही ये अपने आप के साथ ही तृप्त है। आत्म आनंद, अब आनंद के लिए और किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है, अपने आनंद में स्वयं प्रतिष्ठित है। स्वराट भवति, स्वराट राजरी दीप्तौ, स्वराट मतलब दीप्त होने वाला, अपने आप से स्वयं ही दीप्त होने वाला हो जाता है उस समय।
स्वराट भवति, तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। सब लोकों में इसकी निर्बाध गति हो जाती है, कहीं भी आ जा सकता है। सर्वेषु लोकेषु कामचार भवति, अथ ये अन्यथा, और जो अन्य प्रकार से माने ऐसे नहीं है। अथ ये अन्यथा, अत अन्यथा विदु अन्य राजानः ते क्षय लोका भवन्ति। जो इस स्वरूप से विपरीत जानते हैं, ऐसा नहीं जानते हैं ब्रह्म को, या अपने आप को जो ऐसा नहीं जानते हैं, तो वे कैसे होते हैं? अतः अन्यथा अन्य राजानः, फिर वो अन्य चीजों से ही अपने आप को चमकता हुआ मानते हैं, अन्य चीजों से ही अपने आप को राजा समझते हैं, मतलब स्वामी समझते हैं। अन्य का मतलब यहाँ जो भी भौतिक पदार्थ हैं, जो भी भौतिक सुख हैं, उन सब से, प्रकृति के जो सुख के भोग हैं, उन सब से, उनके अन्य राजा न, हाँ, औरों के राज्य वाले माने औरों के पराधीन होते हैं। ते सर्वेषु लोकेषु अकामचार भवति, उनका सब लोकों में कामचार नहीं होता है, उनकी निर्बाध गति नहीं होती, उनकी इसी लोक में ही होती है बस, जिसमें वो रचे पचे रहते हैं। तो इसको फिर कल पढ़ेंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा मनन करना, भूमा वाला जो प्रसंग है, ये उपनिषदों का बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में एक प्रसंग है भूमा। तो इस पे और थोड़ा मनन करके आए कल, यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति ही, श्री गुरुभ्यो नमः।